नमस्कार, अंजा न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां आज भी खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं खिलाड़ी और WFI के अध्यक्ष पर खिलाड़ियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे पर अड़े हैं सभी खिलाड़ी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, WFI के अध्यक्ष पर खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं। खिलाड़ियों ने सभी पहलवानों से समर्थन की अपील की है। आपको बता दें कि यहां पर 18 तारीख से ही खिलाड़ी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। गुरुवार को खिलाड़ियों को खेल मंत्रालय ने भी इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाई है और WFI को जवाब तलब भी किया है। 72 घंटों का समय दिया गया है और इसके अलावा आपको बता दें खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को बातचीत के लिए बुलाया था। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई है। खेल मंत्रालय से बैठक के बाद बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। पहलवानों ने कहा कि वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष का इस्तीफा लेकर रहेंगे। पहलवानों ने ये भी साफ कर दिया है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। वो आश्वासन से खुश नहीं है, उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। वो ठोस कार्रवाई चाहते हैं, पूरे कुश्ती संघ को भंग करना चाहिए। जब तक संघ को भंग नहीं किया जाएगा, खिलाड़ियों का कहना है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आपको बता दें 18 तारीख से यहां पर देश के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं वो यहां पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। खिलाड़ियों में साक्षी मलिक शामिल है, विनेश फोगाट शामिल हैं, बजरंग पूनिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल्स जीते हैं ओलंपिक में, वो खिलाड़ी यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। और WFI के अध्यक्ष पर खिलाड़ियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो आपको बता दें WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर खिलाड़ियों की ओर से आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जो महिला खिलाड़ी हैं उनका शोषण किया है। और इस जो WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अन्य कोच हैं उन पर भी ये आरोप है कि उन्होंने भी महिला खिलाड़ियों का उत्पीड़न किया है, शोषण किया है, भेदभाव का आरोप खिलाड़ियों की तरफ से लगाया गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि सरकार की तरफ से बीजेपी नेता बबीता फोगाट भी पहुंचती हैं, जहां पर उन्होंने बातचीत की है खिलाड़ियों से। बबीता फोगाट ने भी आश्वासन दिया है कि वो खिलाड़ियों की जो जायज मांग है वो सरकार तक पहुंचाएंगी, सरकार के सामने उन जायज मांगों को रखेंगी और जल्द से जल्द इस पूरे मामले का समाधान निकाला जाएगा। खिलाड़ियों की ओर से कहा गया है कि वो उन्हें आश्वासन नहीं चाहिए, उन्हें कार्रवाई चाहिए। तो आपको बता दें WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे गोंडा में बृजभूषण करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इस बीच खिलाड़ियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खिलाड़ियों को समर्थन देगी खाप फोगाट। आज जंतर मंतर पहुंचेंगे खाप प्रतिनिधि, WFI के अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत भी देगी खाप। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। खिलाड़ियों को फोगाट खाप की तरफ से भी समर्थन मिल रहा है और WFI के अध्यक्ष के खिलाफ खाप भी शिकायत देने वाली है। खिलाड़ियों को समर्थन देगी खाप फोगाट, आज जंतर मंतर पहुंचेंगे खाप प्रतिनिधि। WFI के अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत भी देगी खाप, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। खिलाड़ियों को समर्थन देगी खाप फोगाट। तो इसी खबर पे तमाम अपडेट के साथ हमारे संवाददाता नवीन निशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, अब जिस तरह से धीरे धीरे जो खाप समाज के लोग हैं वो भी अब खिलाड़ियों के समर्थन में उतरते नजर आ रहे हैं, आज वो भी पहुंचने वाले हैं जंतर मंतर पर, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए बता दें कि जिस तरह से रेसलर्स जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपनी मांग को उठा रहे हैं, तो उन्हें देश भर से समर्थन मिल रहा है। और कहीं ना कहीं कल भी हमने देखा था कि हरियाणा के दूर दराज के इलाके के जो खिलाड़ी थे, जो गणमान्य लोग थे, वो जंतर मंतर पर पहुंचे थे, चाहे वो रोहतक हो, भिवानी हो, तमाम जगहों से लोग सुबह से ही जंतर मंतर पहुंच रहे थे और कह रहे थे कि हम अपने कहीं ना कहीं खिलाड़ियों, अपने बच्चों के साथ उनके साथ जो शोषण हो रहा है उस मामले में उन्हें न्याय मिलना चाहिए। अगर खाप पंचायत इस पूरे मामले को लेकर सामने आती है तो निश्चित रूप से सरकार पर काफी दबाव पड़ेगा, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि कई बार खाप पंचायतों के आगे जो सरकार है उसको झुकना पड़ा था। और निश्चित तौर पर अनुराग ठाकुर के घर कल देर रात तक मीटिंग हुई थी रेसलर्स की और आज सुबह भी मीटिंग बुलाई गई है, तो देखना होगा कि मीटिंग के दौरान भी क्या कुछ जो परिणाम है वो निकल कर आता है, क्योंकि
कल सरकार की तरफ से बीजेपी नेता बबीता फोगाट भी पहुंचती है, जहां उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले का समाधान निकलवाएंगी, सरकार के सामने ये पूरी बात रखेंगी। तो वहीं खिलाड़ियों की ओर से कहा जा रहा है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, उन्हें पूरी कार्रवाई चाहिए। क्या लगता है कब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, देखिए सरकार हरकत में है। कल देर अनुराग ठाकुर कल हिमाचल दौरे पे थे, लेकिन कल देर रात वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली का जो उनका आधिकारिक आवास है वहां पर जो देर शाम है वो खिलाड़ी पहुंचे। देर रात तक तकरीबन एक बजे तक जो मीटिंग है वो वहां पर चली और उसके बाद आज सुबह फिर जो खिलाड़ी है अनुराग ठाकुर घर पहुंचने वाले हैं। मीटिंग का जो दूसरा दौर है वो आज शुरू होगा, क्योंकि कल देर रात तक जो मीटिंग चली थी उसमें कोई फैसला निकलकर सामने नहीं आया था। जो खिलाड़ी थे वो ब्रिजभूषण की सस्पेंशन की मांग कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ आज फिर जो मीटिंग है वो शुरू होने वाली है। जी बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। WFI के अध्यक्ष